So welcome back to your channel everyone, this is your boy Dagat Sarder and hope you guys are doing absolutely fine. So aaja chai hami duty bara feri farkindai ho mora pempoda anda pempoda kasto feel ho tesa tapai lai aile mo sukheko jaro chai ekdamai ta chha ho jyan lewa chha sukheko weather chai aba esto chha hi so very cold eh? It's freaking cold. Temperature is minus degree ma chaldecha aile yo to sukhya pokhari ko chai. So alright guys, today I am riding this Pulsar NS200 BS6 2021 model and mera bike aaj pempoda chala raha hai and it's so cold out here man. Andar se inner laga ke phir ye gloves laga raha hu, phir bhi matlab thand ja nahi raha hai. My hands are freezing right now. Lo jo. What a sound. Iska clutch jo hai na wo bahut hi matlab itna chhod chuka hu, fir bhi ja hi nahi raha hai bike, aage badh hi nahi raha hai. का क्लच जो है एडजस्ट करना पड़ेगा. सो थोड़ा फ्लाई बाय लेते हैं आज NS200 का. वैसे तो रोज ही लेता हूँ, देखते हैं कितना तक जाता है हिल्स में. सो ऑलराइट गाइस, आज मैं इस पल्सर NS200 का राइड रिव्यू देने वाला हूँ. सो पिछले एक हफ्ते से मैं इस बाइक को चला रहा हूँ एंड मैं आज आप लोगों को बोलूँगा कि ये बाइक कैसा है, क्या है. सो एज यू कैन सी अभी ये बाइक फिफ्थ गियर में है एंड पूरा एकदम जा रहा है, एकदम पूरा नाच रहा है गाइस. जैसे ही ये बाइक रोड पर एकदम मस्त एकदम जा रहा है. सो आगे पेम्पोदा मेरा 390 लेके कॉर्नरिंग करते हुए. ओके गाइस, सो फाइनली रीच्ड लेप्चा जगत एंड ये था एक छोटा सा फ्लाई बाय NS200 के साथ. सो या गाइस, अभी बात एकदम सीधा मुद्दे पर आते हैं. तो सबसे पहले इसके कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं. सो इसका जो साउंड है ना, वो साउंड बहुत ही अच्छा लगा मुझे. अभी जो BS6 का है, मुझे लग रहा था कि BS6 है तो कैटलिटिक कन्वर्टर वगैरह है इसमें, इसलिए साउंड थोड़ा कम ही होगा, लेकिन साउंड बहुत ही अच्छा है. एंड दूसरा जो इसमें बहुत ही अच्छा है वो है इसका सीटिंग कंफर्ट. तो सीटिंग पोस्चर वगैरह, मतलब नेकेड स्पोर्ट है तो सीटिंग पोस्चर भी बहुत ही अच्छा है, एकदम एग्रेसिव भी नहीं है, लॉन्ग राइड्स वगैरह आराम से कर सकते हैं.
एंड इस बाइक में वाइब्रेशन एक भी नहीं है। पहले का जितना भी पल्सर का बाइक था उसमें कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेशन आता था गाइज, लेकिन अभी इस बाइक में उतना वाइब्रेशन फील नहीं हो रहा है। इट्स अ गुड थिंग। एंड पहले क्या था कि हैंडल बार में पूरा वाइब्रेशन फील होता था, लेकिन अभी BS6 का ये जो मॉडल है इसमें हैंडल बार में उतना वाइब्रेशन फील नहीं होता है। एंड बहुत ही स्मूथ है गाइज ये बाइक, लाइक गियर शिफ्टिंग वगैरह बहुत ही अच्छा है, ABS एंड ब्रेकिंग भी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है इसका। एंड इसमें मैंने एक और वीडियो बना के रखा है YouTube पे, इसका एक छोटा सा ऑनेस्ट रिव्यू मैंने दिया है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो गाइज जाके देख सकते हैं। तो उस वीडियो में भी मैंने बोला है कि इस बाइक में कुछ चीज़ें मिसिंग है, इसमें LED इंडिकेटर नहीं है, एंड अपसाइड डाउन फॉक्स, एंड एक और चीज़ जिसमें स्विचेबल ABS रहता डुअल चैनल, तो और भी अच्छा हो सकता था गाइज। तो बस यही सब कुछ है। एंड हिल्स में तो बजाज का बाइक एकदम भरमार है, तो हिल्स में बहुत कॉमन हो चुका है ये पल्सर का, जितना भी बाइक थे वो हिल्स में एकदम कॉमन हो चुका है। तो एक समय पे ये बाइक मेरा फेवरेट बाइक हुआ करता था गाइज। सो एक और चीज़ मुझे इसमें थोड़ा सा एक कमी लगा, वो है इसका पिकअप। तो फर्स्ट और सेकंड गियर में उतना फटाक से पिकअप नहीं ले रहा है, पता नहीं क्यों, शायद ये नया बाइक है इसलिए होगा शायद, बट कोई नहीं गाइज, अभी नया बाइक है, इसका जो इंजन है उसमें खुलने में टाइम है अभी। एंड इट्स सो फ्रीकिंग कोल्ड मैन, मेरा हाथ जो है ना वो पूरा जम गया है, ऐसा फील हो रहा है। एंड रोड जो है गाइज वो बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है जगह जगह पर, क्योंकि ये सुकिया का रोड है, ये देख सकते हैं बीच बीच में जो है ये काला ये पूरा का पूरा पानी जैसा है, इसी में बाइक ज़्यादा से ज़्यादातर स्लिप होता है, तो इसीलिए लीन करते समय थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। सो गाइस यही सब कुछ था इस बाइक का राइड रिव्यू, पल्सर NS200 BS6 2021 मॉडल है, देखते हैं 2022 मॉडल में क्या कुछ नया हम लोगों को देखने को मिलेगा। टिल देन इसी को देखते हैं, इसी को चलाते हैं। सो 2022 मॉडल में अगर अपसाइड डाउन फॉक्स आ गया ना, तब तो भाई नया तो मैं ही ले लूँगा एक। मुझे इस तरफ रोकना है बाइक को, तो अभी यहाँ से मैं अपना ड्यूक 390 चलाऊंगा, क्योंकि वहाँ से जो है आगे से मैं और पेम्बदा का रूट अलग अलग है, तो पेम्बदा का वेट करते हैं। सो या गाइस दिस इज़ द बाइक, एंड हाल ही में निकाला गया है, जैसे कि मैंने पिछला वाला वीडियो में बोला था, हमारा पेम्बदा में आईपुगो कस फील बन था पेम्बदा तब वाला है ऑलराइट गाइज, अभी ब्लॉग को एंड करने का वक्त आ चुका है। सो ये वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, देन डू प्रेस द लाइक बटन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राइड हार्ड, राइड सेफ, एंड गो कूल, गो विद द फ्लो।